स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हम जो है सिलाई मशीन से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सिलाई मशीन की जो गाड़ी होती है अम्ब्रेला सिलाई मशीन की, उसमें ग्रिश कैसे करते हैं। ये वाला ग्रिश कप होता है, ये वाला ग्रिश कप होता है, और एक अंदर की साइड होता है इधर। उनको दोनों को खोलेंगे और ग्रिश करेंगे और तेल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो सबसे पहले दोस्तों मशीन को लेटा लेंगे और इसका जो ये ढक्कन है ना, चांद भी बोलते हैं इसको, इसको खोल लेंगे आसानी से। इसको खोल के एक साइड में रख लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर का ग्रीस कप है और ये ऑयल कप है। इसको जो है निकाल लेंगे पहले। ठीक है, ये वाला ऑयल कप, ये उधर से अंदर से कोई चीज़ लगाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, कोई चीज़ ले ले रोड, और ये अंदर से ऐसे इस पर लगा के चोट मार के इसको बाहर निकाल ले, ये निकल जाता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक जो रोड ले ले ये खाली, और इसको नीचे से उसी जो सुराख था ना जहाँ से ऑयल कप निकाला, ये इसको ऐसे लगा ले नीचे की साइड, ये ऐसे सपोर्ट लगा ले इसके अच्छी तरह से। यहाँ पे पेंच है ना, ये यहाँ पे लगा ले और ये पेंच खोल ले। पहले एक पेंच खोल ले और ये फिर दूसरे वाला पेंच खोल ले। इसको ऊपर की साइड यहाँ से दबा ले रोड से आसानी से, फिर इसको भी पेंच को खोल ले। आसानी से खुल जाता है दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं होती। और ये खुल गया और इसको बाहर निकाल लिया और ये हमारी गरारी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे जहाँ पे जो है ना बूस और गरारी के बीच, ए यहाँ पर तेल डाल लेंगे अच्छे से। तेल डाल लिया और अब जो है इसमें हम जो है ग्रीस करेंगे। ये देखिए ग्रीस है, ये ग्रीस है, ग्रीस का डब्बा, और इसको निकाल लें और ये ग्रीस लगाएंगे गरारी पे आसानी से। ये ऐसे लगा के व्हील को घुमाएंगे मशीन को, ताकि दांतों में जो गरारी के जो दांते हैं उनमें आसानी से ग्रीस लग जाए। ठीक है, ये ग्रीस लगा लिया आसानी से, और मशीन को घुमाते रहे ताकि पूरी गरारी में ग्रीस लग जाए आसानी से। ये हो गया, अब क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर का जो ढक्कना होता है ग्रीस कप का, ये इसमें भी ग्रीस भर लेंगे। ये ग्रीस रख लेंगे ताकि जो हमारी गरारी है ना उसमें ग्रीस जो है परमानेंट चलता रहे। ये और इसको फ़िलहाल यहाँ पर रख लेंगे। ग्रीस लग गया और गरारी में भी लग गया और इसमें ग्रीस कप में भी हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लगाएंगे, अब इसको देखते हैं। ये रोड ली और ये जो ग्रीस कप है इसको इससे सेट करेंगे। इसको कैसे सेट करेंगे, ये देखिए आप, ये जो खांचा है ना इसका, इसको पहले ऐसे सेट कर लेंगे। ये उसी सुराख में से इस रोड को डालेंगे और ये जो ग्रीस कप का जो खांचा है वो जहाँ पे पिंच लगता है उसको इस पर बिठा लेंगे आसानी से, और यहाँ से ऐसे लगा लेंगे इसको नीचे की साइड। आसानी से सेट हो जाता है, इसको आगे पीछे करके देख लेंगे। ठीक है, इसको और मशीन को फिर घुमा के देखेंगे हम। ये लगनी नहीं चाहिए करारी इसमें ग्रीस कप में। ठीक है, ये हो गया, और ये ऊपर से अब जो है इसको आसानी से ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और ऐसे रख लेंगे दोनों पेंच जहाँ पे इसके सेट होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अगले वाला पेंच है इसकी दो चार चूड़ी टाइट कर लेंगे पेंच की। ठीक है, और फिर ये वाला पेंच करेंगे टाइट। आसानी से हो जाता है, अपनी आपके पास कोई भी पुरानी मशीन हो उसको खोल के आप ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। ये देखें, ये हो गया, अब इसको ऊपर से दाब लें और इसको इस दर वाले पेंच को अच्छे से टाइट कर लें, और ये मशीन जो है हमारी टाइट चल रही है। इसको ग्रीस कप को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे ऐसे, और ये ग्रीस फालतू हटा लेंगे और व्हील को घुमा के देखेंगे मशीन को। ये ठीक है, ऐसे लग जाता है ग्रीस कप, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये हमने साफ़ कर लिया बिल्कुल अच्छे से अंदर से, और इसमें तेल डाल लेंगे मशीन का। ये हो गया, गरारी में हमारा ग्रीस लग गया और तेल भी हो गया। और ये जो ऑयल कप हमने निकाला था ना, इसको ये ठोक लेंगे
लगा दिया, और इसका जो ये खोला था हमने ढकना चांद, इसको भी लगा लेंगे। दोस्तों आप वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो इधर लिटा लेंगे हम, ये ऊपर वाला तो कर दिया हमने, ये नीचे वाला ग्रिस्का है छोटे वाला, अब इसको खोलेंगे। नीचे वाले गिरारी होते हैं ना दो, इसको खोल लिया। ये देखिए ये निकल गया बाहर। अब जो है इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेंगे, जैसे ऊपर डाला था ऐसे गरारी में यहाँ पे डाल लेंगे, गरारी की सीट जो होती है वहाँ पे आसानी से। ये हो गया, अब जो है इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे गरारी के दांतों पे। ये अगर जो गरारी में हमारा ग्रीस चलता रहे ना, तो गरारी में प्ले नहीं बनेगी और आवाज़ भी नहीं करेगी, तो उसमें ग्रीस जो है परमानेंट रहना चाहिए। अपने मशीन को खोल के देखते रहे कि ग्रीस खत्म तो नहीं हो गया, हो भी गया है तो फिर भी जो है खोल के एक बार उंगली से ग्रीस को लगा ले। तो नीचे से लगा लिया हमने दोस्तों, अब क्या करेंगे हम इसमें जो है बीचों बीच यहाँ पे ग्रीस रख लेंगे, ये यहाँ पे, और ये सुराख छोड़ देंगे जहाँ पे हमारा पिंच लगेगा ना, ये सुराख छोड़ देंगे और इसको ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा ऊपर वाला ढक्कन है ना, ये इसमें डालेंगे ऐसे, और इसको ऐसे पकड़ के ये जो पेंच है हमारा सुराख पे रख के ये ऐसे आसानी से इसको जो है टाइट कर लें। ये टाइट हो जाएगा बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये मशीन हमारी भारी चल रही है, टाइट है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे ये यहाँ से, और ये मशीन ये देखिए ऊपर हिला, ये हो गई मशीन हमारी फ्री। उसमें तेल डाल लेंगे, अब यहाँ पे तेल हो गया ऊपर भी, ये ऑयल भी हो गया, ग्रीस भी हो गया गरारी में हमारी, ठीक।